जी जनाब, हमारी डिस्कशन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर पे चल रही थी और हमने कुछ क्वेश्चंस किए लास्ट लेक्चर में भी। तो कोई इशू लास्ट लेक्चर से, किसी क्वेश्चन पे, ट्रीटमेंट पे कोई इशू? अच्छा जी, लास्ट वीक एक आप लोगों का टेस्ट नंबर 3 भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जिसको हम डिस्कस नहीं लास्ट वीक कर सके थे। आखिरी दिन ही शायद मिला था या एक दिन आगे पीछे हो गया, तो ज़रा उस पर भी बात कर लें। इसमें जो इश्यूज नज़र आ रहे हैं, पहला इशू तो वही अटेंडेंस का है। मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों से इसरार कर चुका हूँ कि अगर आप अटेंडेंस टेस्ट में नहीं देते तो आपकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका अंदाज़ा नहीं होता। आप टेस्ट में बैठते हैं तो आपको पता लग पाता है कि एग्ज़ाम में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और उनके लिए आप अभी से तैयारी कैसे कर सकते हैं। सो अटेंडेंस में कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आ रही, तकरीबन वही 1/3, बल्कि मैं तो यही कहूँगा डिटेरियरेशन ही रही है। 1/3 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हैं टेस्ट में। एज़ फार एज़ रिज़ल्ट इज़ कंसर्न, तो रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा रहा जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया। माशाल्लाह उसमें से 86% स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए। गालबन टेस्ट हमारा जो है काफ़ी थोड़ा सा आसानी लगता बन गया, इसलिए आप लोगों की परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह अच्छी रही। तो लेट्स होप के आने वाला इस वीक में जो असेसमेंट आ रही है उसके लिए आप लोग तैयारी करें, और जिसमें अब हमारे तकरीबन 5 चैप्टर हैं उसमें टेस्ट होने जा रहे हैं उसके लिए तैयारी करें। और कोई कमी बेशी अगर रिवीजन में रह गई है उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। मैंने पहले भी बोला, फिर बोल रहा हूँ कि रिवीजन्स पे तवज्जो कीजिए। प्रैक्टिस में कुछ कमी भी रह जाए, पहले आप रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करके आपका टारगेट होना चाहिए यू शुड सिट इन द टेस्ट। लेकिन अगर प्रैक्टिस का टाइम भी मिल जाए तो हर चैप्टर के एक एक दो दो अनसीन क्वेश्चन भी साथ कर लीजिएगा, लेकिन टेस्ट में आपको बैठना, असेसमेंट टेस्ट में बैठना ज़रूर आपको प्लान करना चाहिए। अच्छा, रिगार्डिंग इशूज़, तो इस क्वेश्चन में हमें कोई इशू रहा हो, वैसे तो मैं अगर देखूँ इसमें हमारा रिक्वायर्ड क्या था, हमें अपोर्शनमेंट करनी थी। 4 हमारी कॉस्ट थी जिनकी हमें अपोर्शनमेंट करनी थी, बेसिस हमें अवेलेबल थी उनके मुताबिक, फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स की रिपोर्शनमेंट थी, और सर्विस डिपार्टमेंट की रिपोर्शनमेंट का सिनेरियो 2 नज़र आ रहा है जिसमें सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है। और इसके बाद प्रोडक्ट ओवरहेड्स की तकसीम थी प्रोडक्ट्स में, और ओवर अंडर ड्रॉप की कैलकुलेशन और एंट्री। तो क्या चैलेंज रहा इस क्वेश्चन में, इफ़ एट ऑल? वैसे तो रिजल्ट जैसे मैंने कहा बड़ा अच्छा हमारा रहा है, तकरीबन 9 बच्चों के 100% मार्क्स हैं इस टेस्ट में, जिनमें चले मैं जिनके 100% मार्क्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं के नाम अगर लेता हूँ, अब्दुल मुईज़ हैं, हफ्सा शकील हैं, इमरान रज़ा शेख हैं, कामरान अली हैं, एम अफजान हैं, असद हुसैन हैं, अज़र एम अज़र हैं, सीमा हैं और ज़ैनुल आबदीन हैं। ये 9 स्टूडेंट्स हैं जिनके माशाल्लाह 100% मार्क्स इस टेस्ट में रहे हैं। बाकी ओवरऑल मैंने जैसे कहा 86% हमारा पास रेट रहा है। तो फिर मेरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से स्टिल अगर आपके दिन में कोई चैलेंज है किसी ट्रीटमेंट के ऊपर, वैसे आपके पास आपका मार्कशीट भी आपको मिल गई, मार्क हो के आपको उसका सोल्यूशन भी मिल गया, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी ट्रीटमेंट में कोई क्वेश्चन मार्क है, आपको कोई चैलेंज रहा हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, जी अच्छा जी चले जी, इसका मतलब टाइम टू मूव फॉरवर्ड, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और ये है जी पेज 151 पे। पेज 151 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, स्प्रिंग 14 का है ये क्वेश्चन। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट तो स्टैंडर्ड ही रहती है इस चैप्टर के क्वेश्चंस की, यहाँ पे भी वही स्टैंडर्ड सी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December X3 अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग।
एंड देन रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट वर्कड आउट अंडर द टू मैथड्स. सो 14 नंबर्स के दो पीएनएल हैं, दो नंबर की रिकंसिलेशन है दोनों प्रॉफिट्स की. एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट. द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st नंबर एक्स सी वर एज फॉलोज. ये प्राइस और कॉस्ट का डाटा है 2013 का. पर यूनिट सारा डाटा है, सेल प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स जिसमें 40% फिक्स्ड है, सेलिंग ओवरहेड जिसमें 60% फिक्स्ड है. अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज. ड्यूरिंग द ईयर 12,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड. ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पर 4,000 एंड 3,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी विच इज 15,000 यूनिट्स. फिक्स्ड ओवरहेड्स प्रोडक्शन का वर्ड यहां पे मिसिंग है, इसको यहां पे ऐड कर लीजिए, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हमारी बढ़ जाएगी. फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी विच इज 15,000. ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 10% ओवर द प्रीवियस ईयर एंड रॉ मटेरियल एंड लेबर बाय 5%. पिछले साल के मुकाबले में ओवरहेड कॉस्ट 10% बढ़ी है और रॉ मटेरियल और लेबर आपकी पिछले साल के मुकाबले में 5% बढ़ी है. कंपनी यूजेस फाइफो मेथड ऑफ फॉर कॉस्टिंग इट्स इन्वेंट्री. अच्छा, ये सवाल है, हमसे पीएनएल बनाने को कहा गया है और पीएनएल में ओपनिंग स्टॉक भी है. पहले हम मार्जिनल कॉस्ट की अगर बात कर लें, पीएनएल में ओपनिंग स्टॉक भी है और कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कॉस्ट पर यूनिट बदल गई ना, तो इसका मतलब हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में डिटेल फॉर्मेट की तरफ जाना है. तो हम पहले मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ चलते हैं. डिटेल फॉर्मेट से हम इस सवाल को मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हल करते हैं. ये जी कंप्लीट क्वेश्चन इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे आ गया और अब हम बोर्ड पे इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हम इसका पीएनएल बनाते हैं. सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये होता है जी ओपनिंग स्टॉक एड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट. लेस क्लोजिंग स्टॉक, यहां से मिलती हमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसमें हम ऐड करते हैं वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐड वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. तो हमें मिलेगी यहां पे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर हमें मिलता है यहां से टोटल कंट्रीब्यूशन, इसमें से लेस करते हैं हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें यहां पे नेट प्रॉफिट की फिगर मिल जाती है. अच्छा जी, सेल्स कितने यूनिट्स की है हमें रेडिली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम वर्कआउट कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना है 4,000 प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये यूनिट सोल्ड आ गए इनटू प्राइस. प्राइस पर यूनिट 1600. तो जनाब हमारे पास कितना आया रेवेन्यू पहले साल का, जी 208. तो इसको हम पढ़ते हैं 20.8 मिलियन. ये हमारी सेल्स है जी. वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन, वेरिएबल ओपनिंग स्टॉक, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड क्लोजिंग स्टॉक. अच्छा जी, इसके लिए हम एक वर्किंग बनाते हैं. हम ओपनिंग स्टॉक के हमें पता है यूनिट्स 4,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्शन के हमें पता है यूनिट्स 12,000
मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हमें पता है 3000 इनटू कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का है, प्रोडक्शन करंट पीरियड की है, और चूंकि फाइफो मेथड है यहाँ पे भी करंट पीरियड का रेट लगने वाला है। अच्छा, जिसका मतलब अब हमें पिछले पीरियड की कॉस्ट भी चाहिए और करंट पीरियड की कॉस्ट भी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट। तो जनाब इसके लिए हमें वर्किंग यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएनएल की जगह छोड़ के हम यहाँ पे एक वर्किंग वन परफॉर्म करते हैं, और इसमें मैं करंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों का डाटा अरेंज करता हूँ। मटेरियल, बल्कि डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, करंट ईयर के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल 630, लेबर 189 एंड वेरिएबल ओवरहेड 40% इज फिक्स्ड। 220 में 40% इज फिक्स्ड, इसका मतलब 220 में 60% इज वेरिएबल, 132। लीजिए जी, ये आपके पास आ गई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है जी? 951। ये मेरे पास करंट पीरियड की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो कि वर्किंग वन के रेफरेंस से यहां पे भी यूज होनी है और ये यहां पे भी यूज होनी है। एग्रीड जी? तो बताइए यहां से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की फिगर क्या आती है। जी 1141, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर 2853। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की फिगर हमने डिटरमिन कर ली करंट ईयर की, जिसके ऊपर हमने करंट ईयर की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ले ली। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट, क्या ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट जो पिछले साल में बना है वो भी यही रही होगी? आंसर इज नो। क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉस्ट में चेंज आया है पिछले साल के मुकाबले में, नोट नंबर 4 में उसने कहा जी पिछले साल के मुकाबले में ओवरहेड 10% बड़ा है और मटेरियल और लेबर की कॉस्ट 5% बड़ी है। पिछले साल के मुकाबले में इन दो में 5% इजाफा आया है और यहां पे 10% इजाफा आया है। पिछले साल अगर कॉस्ट 100 थी तो ये कितनी है? 105। तो भाई 630 अगर 105 है तो 100 क्या थी? यही होता है तरीका जी। 630 जो है ये 105 पे खड़ा है, 100 पे ले जाना है तो इट इज 600। सिमिलरली लेबर की कॉस्ट 189 पे जो है ये 105 पे खड़ी है तो 100 पे ले जाना है। 105 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, कितनी जी? 180। और ओवरहेड 110 पे खड़ी है, 132 डिवाइडेड विद 110 इंटू 100, क्योंकि इसमें 10% इजाफा आया है, 120। लीजिए जी ओपनिंग स्टॉक की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 900। ओपनिंग स्टॉक की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ये भी मैं वर्किंग वन के ही रेफरेंस से यहां पे 900, 3.6 मिलियन। लीजिए जी सम कीजिए वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल
जी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल जी बेटा बेटा करंट ईयर में हमारी 630 है जो कि पिछले साल के मुकाबले में 5% ज्यादा है। करंट ईयर 630 है जो पिछले साल की कॉस्ट से 5% ज्यादा है। मतलब अगर पिछले साल 100 थी तो करंट ईयर 105 पे आ चुकी है कॉस्ट, तो 630 रुपए जो है वो 105 के लेवल पे खड़ी हुई है, तो इसको 105 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। जी कोई सवाल? अच्छा जी, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 165 रुपए में 60% फिक्स्ड है। 165 रुपए में 60% फिक्स्ड है तो मतलब 40% वेरिएबल है। सेलिंग कॉस्ट है तो यूनिट सोल्ड से कितने है यूनिट सोल्ड? 13,000। 13,000 से मल्टीप्लाई खाएंगे यूनिट सोल्ड से, तो जनाब ये कितनी बनी कॉस्ट? जी 858,000। लीजिए जी इन दोनों को सम कीजिए, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया 13,017,000। और ये अगर आपकी सेल्स हैं, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, तो ए माइनस बी टोटल कंट्रीब्यूशन। डबल सेवन एट थ्री ट्रिपल जीरो। फिक्स्ड प्रोडक्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक प्रोडक्शन और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो हैं जी हमारे पास फिक्स कॉस्ट के कंपोनेंट्स। ये दो वैल्यूज हम यहां पे लाएंगे तो उसके बाद हमारा पीएनएल कंप्लीट हो जाएगा। प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट, जी जनाब प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी करंट ईयर में, कैसे निकालेंगे? क्या हमें एक्चुअल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू क्वेश्चन में अवेलेबल है? क्वेश्चन में कहीं उसने हमें बताया कि एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड की मद में कितना खर्चा हुआ? आंसर इज नो। हम पीएनएल बना रहे हैं, पीएनएल में एक्चुअल कॉस्ट ली जाती हैं, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन पे एक्चुअल फिक्स कॉस्ट पे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमने कहीं पिछली क्लास में बात की थी कि एक्चुअल डाटा अवेलेबल ना हो तो हम बजटेड डाटा को भी एक्चुअल अज्यूम कर सकते हैं। तो माय क्वेश्चन नंबर टू, क्या क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू अवेलेबल है? बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट 2013 पूरे साल की, क्या ये कॉस्ट की वैल्यू अवेलेबल है? कहाँ अवेलेबल है? मुझे क्यों नजर नहीं आ रही, कहाँ है? तो बेटा ये हाँ कहने वाले से पूछ रहा हूँ जिन्होंने बड़े जोरों शोर से हाँ कहा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कहाँ है बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की वैल्यू कहाँ है क्वेश्चन में? किधर है हाँ कहने वाले? भाई काफी वादे थी, एक आध वाज नहीं थी। किधर है हाँ कहने वाले? ये था बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की फिगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड निकालने का तरीका तो हमें आता है ना। क्या तरीका है? क्या छोटी सी इक्वेशन पढ़ी थी हमने, ओ आर इंटू
बजटेड, क्योंकि आपका ओआर कैसे आता है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन, ऐसे ओआर आया हुआ ना। तो भाई अब आपने रिवर्स करना है, तो आप बजटेड प्रोडक्शन को ओआर से ज़रब दे दो, तो आपके बजटेड ओवरहेड्स आ जाएंगे। ये मैंने फार्मूला पहले भी कई दफ़ा आप लोगों से शेयर किया हुआ है, ओआर का फार्मूला, ओआर पर यूनिट का फार्मूला है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन। और आपको बजटेड ओवरहेड्स चाहिए तो इसका निकालने के लिए क्या करो, बजटेड प्रोडक्शन को ओआर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्वेश्चन में बजटेड प्रोडक्शन भी अवेलेबल है, ओएआर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम यहां पे देखें तो हमारा बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड यहां से निकालोगे भाई 220 का 40%, ये है 88 पर यूनिट, ये हमारा ओएआर है, ये ओएआर पर यूनिट हमें गिवन है फिक्स्ड ओवरहेड का 88 रुपीज पर यूनिट। और उसने कहा है कि ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल, बजट की जगह उसने नॉर्मल का वर्ड यूज कर लिया, ठीक है, उसने बजट की जगह नॉर्मल यूज कर लिया, बट मतलब तो बता दिया ना, उसने कहा ये जो कॉस्ट पर यूनिट आई है ना, ये 15,000 यूनिट्स के हिसाब से निकाली है हमने, मतलब आपने बजटेड ओवरहेड को 15,000 यूनिट से डिवाइड करके ये कॉस्ट निकाली है, ये जुमला लिखा हुआ ना इसने, कि ये जो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाली है ये 15,000 यूनिट्स को इस्तेमाल करके निकाली है, मतलब टोटल ओवरहेड को 15,000 से तकसीम करके निकाली है। तो भाई आपने टोटल पे जाना है तो उसको 15,000 से वापस रख दे दो, तो 88 रुपीज इंटू 15,000, ये है आपके बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और हम यहां पे अज्यूम करके चलेंगे बजट इक्वल टू एक्चुअल, तो 220 का 40% इंटू 15,000 1.32 मिलियन, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड 1.32 मिलियन। ये बहुत फ्रीक्वेंट हमारी डिफरेंट टॉपिक्स में टेस्ट होने वाली कैलकुलेशन है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इनटू बजटेड प्रोडक्शन इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड, और इस केस में बजटेड ओवरहेड इज इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड हमारी अजम्पशन रहेगी, क्योंकि हमें एक्चुअल ओवरहेड चाहिए, क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, हम एक्चुअल ओवरहेड इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड लेके चल रहे हैं। जी कोई सवाल, अच्छा जी यही काम अब हमें सेल्स की फिक्स कॉस्ट के लिए भी डिटरमिन कर अप्लाई करना है। सेल्स की फिक्स कॉस्ट के लिए आपको यहां पे उसने डाटा दिया हुआ है 165 का 60% फिक्स्ड है, कितनी जी 99 रुपीज पर यूनिट, ये फिक्स्ड है। अब तो जो सुनिएगा, जिस तरह फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को बजटेड या नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करके फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बनाई गई, इसी तरह टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फिक्स्ड कॉस्ट को बजटेड सेल से डिवाइड करके सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट बनाई गई। फिक्स्ड कॉस्ट जब भी पर यूनिट बनी है वो टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके बनी है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कभी भी इनकर नहीं होती। जैसे ओवरहेड के बारे में हम कहते हैं कि ओवरहेड फिक्स ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन रेट हमें दिया गया है अगर, तो वो बजटेड कॉस्ट को बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करके निकाला गया। इसी तरह अगर हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे दी गई है तो ये यकीनन ये भी उसी तरीके से निकली होगी, सालाना कॉस्ट को सालाना सेल से डिवाइड करके निकाला गया है, ठीक हो गया। तो इसके लिए भी वही तरीका है कि कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो सालाना सेल से तो सालाना कॉस्ट आ जाएगी। तो जनाब ये आ गई कॉस्ट पर यूनिट और सेल्स हमारी सालाना कितनी है 15,000। तो वर्किंग में अगर यहां पे शो करूंगा, मैं इसको शो करूंगा 165 का 60% इंटू 13,000,
13,000 की हमारी ये सेल्स की फिगर, ये स्टार से मैंने लिंक की हुई है, यहाँ से आ रही है। तो सालाना 1287000 लीजिए जी, यहाँ से प्रॉफिट आ गया कितना जी, 4.978000 हमारा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सर जो अब्सॉर्ब होते हैं वो ज्यादा करीब नहीं होता एक्चुअल के, तो हम यहां तो आप फासला क्यों नापना चाहते हैं दोनों के दरमियान का? दोबारा बोलो क्या सवाल है आपका? आपने प्रोडक्शन ये कॉस्ट लिखी है ना, तो ये 15,000। बेटा मुझे 15,000 से गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज है मुझे यहाँ पे एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स चाहिए। सवाल कहाँ से शुरू हुआ, बात कहाँ से शुरू हुई? मैं पीएनएल बना रहा हूँ, पीएनएल बनाते हुए मुझे यहाँ पे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स चाहिए। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैंने कहा जी एक्चुअल अवेलेबल नहीं है तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को ही हम एक्चुअल के बराबर अज्यूम करके चलते हैं। हमने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ढूंढे, यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब आप क्या कहना चाह रहे हो कि बजट की जगह यहाँ पे अब्सॉर्ब्ड क्यों नहीं लिए? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो हम बार बार क्लास में एक जुमला बोलते रहे हैं कि आप जब भी ओवरहेड अब्सॉर्ब करते हो ओवर या अंडर अब्सॉर्ब्ड आएगा, और हम ये बात करते रहे हैं कि ओवर या अंडर अब्सॉर्ब्ड, जब यहां पे अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ले लिए तो इसका मतलब ओवर अंडर अब्सॉर्ब का चक्कर बीच में चला गया ना। जब आपने यहां पे अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ले लिए तो ओवर अंडर अब्सॉर्ब का चक्कर चला गया, और हम मुतअद्दिद दफा ये जुमला मैं क्लास में बोल चुका हूं, ओवर अंडर अब्सॉर्ब्ड इज एन एरर जो कि हमारे रिकॉर्ड में आ जाती है एस्टिमेशन की वजह से। दैट इज एन एरर जो हमारे रिकॉर्ड में आती है एस्टिमेशन की वजह से। तो अब्सॉर्ब की फिगर में ओवर अंडर अब्सॉर्ब का एलिमेंट शामिल होता है जो कि एक गलती है, जो कि हमें नोन गलती है, तो हमने वो उस फिगर को यहां पे इनकॉर्पोरेट नहीं करना। उसकी जो ट्रीटमेंट हमने सीखी है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के रेफरेंस से सीखी है, वहां पे हम ओवर एंड अब्सॉर्ब भी करेंगे और ओवर अंडर अब्सॉर्ब की एडजस्टमेंट भी डालेंगे। बट हमारी यहां पे अजम्पशन क्या रहेगी, हमें एक्चुअल ओवरहेड्स चाहिए। एक्चुअल ओवरहेड्स अगर अवेलेबल हैं यूज कीजिए, नहीं अवेलेबल तो आप बजटेड को ही एक्चुअल अज्यूम करेंगे। अब्सॉर्ब्ड को एक्चुअल अज्यूम करने की अजम्पशन मैंने आपको नहीं दी, हम बजटेड ओवरहेड को एक्चुअल अज्यूम करेंगे। जी बेटा फाइव वन सेवन सिक्स ट्रिपल जीरो जी। कोई और सवाल? हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाया, अब हम इसी क्वेश्चन की कंटिन्यूशन करते हुए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यही सेल्स रहने वाला है, वी डोंट हैव टू चेंज द फिगर्स, विल बी द सेम 20.8 मिलियन। इसमें से लेस करना है हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है ओपनिंग स्टॉक एड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें फिर ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एडजस्ट किए जाते हैं। तो हमें यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर मिलती है, और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हम लेस करते हैं एडमिन एंड सेलिंग, सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो हम यहां पे नेट प्रॉफिट पे पहुंचते हैं। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स हमारे पास हैं 4,000, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट यूनिट्स हमारे पास हैं 12,000, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हमारे पास हैं 3,000। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट से। मैं वर्किंग वन में ही सिंपली यहां पे अगर हम ऐड कर दें फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट,
तो हमारे पास फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत यूज होती है। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट देखें अगर करंट ईयर का, तो वो तो 220 का 40% 88 है। तो करंट ईयर की फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बनी? 1039। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 220 का 60 है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 220 का 40% है। तो ये हमारे पास फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई करंट ईयर की। और लास्ट ईयर की लेनी है तो ये ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स में लास्ट ईयर के मुकाबले में 10% का इजाफा है। तो जो 88 है ये 110 पे खड़ा है, इसको 100 पे ले जाओ। लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट 80 आ गई, ये बनी जी 980। लीजिए जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के रेफरेंस से ओपनिंग स्टॉक 980, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट 1039, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 392000। जी प्रोडक्शन कॉस्ट 1246800। जी क्लोजिंग स्टॉक 4156000। ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स वर्किंग टू। जी कोई सवाल यहां तक? ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स वर्किंग टू। ओवर अंडर एब्जॉर्ब किन दो वैल्यूज का फर्क होता है? एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? एक्चुअल ओवरहेड्स हमें गिवन नहीं थे हमने, लेकिन अज्यूम किए हुए हैं कि वो बजटेड के बराबर रहे होंगे। तो एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे लिए इस वक्त 1320000 है, 1320000 है, ये हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। ठीक है, हमने बजटेड ओवरहेड्स को एक्चुअल अज्यूम किया हुआ सवाल में, तो उसी को लेकर चलेंगे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होते हैं ओ आर मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल प्रोडक्शन। 12,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है इंटू ओ आर। ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हुए? 1056000। तो हमारे ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड। कितने हैं बाय अंडर एब्जॉर्ब बाय? 264,000। ये हमारे ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 3000 इंटू 1039 गलत लिखी हुई है जी, तो ठीक क्या है? 311700। जी एनी क्वेश्चन? हमारे पास ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं बाय 264,000। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं 264,000। जी कॉस्ट ऑफ सेल्स इस ब्लॉक का सम 1,35,000। जी ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,265,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों कॉस्ट हैं। हमने फिक्स्ड कॉस्ट ये डिटरमिन की हुई है, हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, तो उसमें भी हमने 13,000 यूनिट्स को 165 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम चाहें तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन ऐसे भी शो कर सकते हैं, 13,000 इंटू होल ऑफ 165।
हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया 60% जो फिक्स्ड है वो लीवी है, 40% ऐड कर दें तो भी वही जवाब आएगा, पूरा 13,000 को 165 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी सेम बात है। क्या है जनाब? 212 2145 2145 2145 000 लीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, प्रॉफिट लॉस अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, पार्ट बी हमें रिकन्सिलिएशन बनानी है, मतलब ये प्रॉफिट्स में जो डिफरेंस है 56,000 का, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये डिफरेंस किस मेथड से कैलकुलेट होगा, बेंचमार्क मेथड से या अल्टरनेटिव मेथड से? बेंचमार्क मेथड अप्लाई करने के लिए दो सूरतें चाहिए, दोनों सूरतें अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी तो हम बेंचमार्क मेथड अप्लाई करते हैं। कंडीशन नंबर वन, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स अवेलेबल है, अवेलेबल है। कंडीशन नंबर टू, ओआर सेम होना चाहिए, सेम है तो बेंचमार्क मेथड क्यों कहते हो? तो इसका मतलब तुम दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, सोचे समझे बगैर जो दिल में आई बात कह देते हो। यही तरीका होता है चीज़ों को रिवाइज करने का, सोचना बोलना नहीं है। अगर असूल नहीं पता तो किताब खोल लो, असूल पढ़ लिया करो, उसके मुताबिक बात करो। रिवीजन ऐसे ही होती है, सवाल कर रहे हो, सवाल में किसी जगह फंस रहे हो, उस सवाल के रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड असूल जाके किताब में पढ़ लो। दिस इज द वे हाउ यू शुड बी प्रैक्टिसिंग, हाउ यू शुड बी रिवाइजिंग। मतलब बजाय इसके तुक्का मार के सवाल कर दो और फिर गलत हो जाए और फिर उसको जाके देखो, सवाल करते हुए नोट्स से हेल्प लिया करो, क्योंकि सवाल करने का मकसद है हमें असूल जो हमने याद किए हैं वो अप्लाई कर सकें। और अगर असूल याद नहीं आ रहे तो असूल जाके देख लो, जवाब नहीं देखना। जिस असूल के तहत वो सवाल होते हैं वो असूल किताब से पढ़ना, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, इट शुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो यहां पे जनाब हमने अल्टरनेटिव मेथड पे जाना है। अल्टरनेटिव मेथड के तहत क्या किया जाता है? स्टेप नंबर वन, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस लिया जाता है। तो जैसे मैं यहां पे लूं 3.6 मिलियन माइनस 2853000, क्या है डिफरेंस जनाब? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत डिफरेंस क्या है? 747000। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत डिफरेंस 3920000 माइनस 3117000, क्या डिफरेंस? 803000। एंड डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस इज 56,000। और यही है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट्स का डिफरेंस, 56,000 डिफरेंस है। ये हमारी रिकन्सिलेशन की एडजस्टमेंट या डिफरेंस की एंट्री है, उसकी कैलकुलेशन आपसे मैंने शेयर की। मार्जिनल अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल और प्रॉफिट्स की रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन में जो डिफरेंस की वैल्यू है। जी कोई सवाल? जी बेटा, फाइफो मेथड, यहां तक तो फाइफो ही आया भाई अभी तक। एफ को आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा एफ को मेथड हमारे कहां इफेक्ट डालता है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में, दैट्स इट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बदल जाएगी,
एवरेज पे आ जाएगी, सिर्फ यही होगा, और क्या फ़र्क पड़ना, और तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। अभी कर लेते हैं, चलो अगला सवाल हम एवको से ही कर लेते हैं। एक सवाल हमने करना है, उस सवाल में वैसे भी एक टाइपो है, मैं चलें वो सवाल पे आते हैं तो फिर हम उसको देख लेते हैं जी। यहाँ पे कोई इशू जी? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए, ये स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन है। स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन, कीनिया लिमिटेड डिस्कस द अजम्पशन यूज इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ये अजम्पशन हम पढ़ के आए थे हमारी बुक के पहले पेज, चैप्टर के पहले पेज पे ही अजम्पशन सारी लिखी हुई हैं, ठीक है जी। अजम्पशन इन मार्जिनल कॉस्टिंग पेज 132 के सेंटर में तकरीबन आ रही हैं इलस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करके आए हुए हैं, 4 नंबर का ये पार्ट था। इसका आंसर बहरहाल आप किताब में पढ़ लीजिएगा रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे। पार्ट बी पे हम बात करते हैं। पार्ट बी में क्या है रिक्वायरमेंट, अगेन सेम वही रिक्वायरमेंट आ जाती है बार बार सामने। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी यूजिंग मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड रिकंसिलिएशन ऑफ द टू मेथड्स। 11 नंबर का PNL 2 और 2 नंबर की रिकंसिलिएशन। सवाल देखते हैं, कीनिया लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज अ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 60,000 यूनिट्स पर मंथ। इट इज करंटली ऑपरेटिंग एट इट्स नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80%। अच्छा, यहां पे एक ये वर्ड याद रखिएगा, हम ओवरहेड के कॉन्टेक्स्ट में जब भी जाते हैं हमें एक बजटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी या बजटेड प्रोडक्शन की वर्ड यूज किया जाता है अक्सर क्वेश्चन में। जैसे पिछले सवाल में भी उसने बजटेड की जगह नॉर्मल का वर्ड यूज किया था। तो यहां पे आपने समझना है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको बजटेड प्रोडक्शन की फिगर दी गई है दैट इज बजटेड प्रोडक्शन, लेकिन किसी क्वेश्चन में बजटेड की जगह नॉर्मल प्रोडक्शन की फिगर दे दी गई है तो यू अज्यूम दैट इक्वल टू बजटेड, ठीक है। तो यह भी याद रखना है कि बजटेड प्रोडक्शन गिवन है तो उसको यूज करो, नॉर्मल गिवन है तो उसको बजटेड अज्यूम कर लो। मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा जिसमें नॉर्मल अलहदा दी होगी बजटेड अलहदा दी होगी, तो फिर हमने बजटेड को ही लेना है, ठीक है, फिर हमने बजटेड को लेकर चलना है। हाँ, बजटेड नहीं अवेलेबल तो नॉर्मल को बजटेड के बराबर अज्यूम कर सकते हैं आप। तो यहां पर उसने कहा जी करंटली ऑपरेटिंग, इट इज करंटली ऑपरेटिंग एट इट्स नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80% एंड यूजेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कंपनी करंटली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है। बिलो इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम KL's बजट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ये बजट से एक्सट्रैक्ट है जी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड एडमिन, फिक्स्ड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड सेलिंग एडमिन। ये सारा बजट का डाटा है। एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा, एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट इन KL's मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इट वॉज एबल टू ऑपरेट एट 75% ऑफ कैपेसिटी। प्रोडक्शन उसने सिर्फ 75% ऑफ द कैपेसिटी पे की। सेल ऑफ 47,000 यूनिट्स वर मेड एट द सेलिंग प्राइस बजटेड बाय KL। एक्चुअल प्राइस आपकी बजटेड प्राइस के बराबर ही रही, जो बजट किया था उसी पे आप बेच पाए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 10,000 यूनिट्स कॉस्टिंग 1.6 मिलियन वॉज हेल्ड बाय KL। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स वर एब्जॉर्ब्ड इन प्रायर मंथ एट द रेट ऑफ 40 पर मंथ। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट बाय 500,000 ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। मतलब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपके बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से 5 लाख ज्यादा हो गए। इस तरह की स्टेटमेंट मैंने पीछे भी किसी सवाल में आपको डिस्कस की थी और मैंने बताया था इसका मतलब क्या है, बाकी सारी कॉस्ट एक्चुअल इसके बराबर है, सारी कॉस्ट एक्चुअल इसके बराबर रही सवाए फिक्स कॉस्ट के जो बजट से 5 लाख ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये जनाब हमारे पास डेटा है और हमसे कहा गया है PNL बनाइए मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। ओपनिंग स्टॉक भी है, प्रोडक्शन भी है, सेल्स भी है और कॉस्ट भी बदल रही हैं शायद। हाँ, फाइफो या आपको नहीं बताया, ये वही सवाल आ गया, ये पहले भी किसी एक क्वेश्चन में आया था, फाइफो आपको एग्जामिनर स्किप कर गया था, उसने बात नहीं की थी। तो यहां पे भी वही मसला आ गया, उसने फाइफो एफको की बात नहीं की। ओपनिंग स्टॉक जब भी आ जाए PNL बनाने के लिए आपको पॉलिसी पे गाइडेंस चाहिए।
अब ये क्वेश्चन उसने, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने 5-4 से किया हुआ, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको हम एफको से जरा कर लेते हैं, हम इसको अपनी जरा प्रैक्टिस के लिए एफको से कर लेते हैं। तो पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाने चलते हैं। मुझे जरा एक्चुअल पीएनएल बनता है तो एक्चुअल प्रोडक्शन तो जरा बता दो क्या है। हमारी कैपेसिटी 60,000 है, हमारा बजट था हम 80% पे काम करेंगे, एक्चुअल हमने काम किया 60,000 का 75%, हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन 45,000 रही, ठीक है जी। तो हम इसके हिसाब से अब अपना पीएनएल बनाना शुरू करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल का फॉर्मेट यही रहने वाला है डिटेल, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट और करंट पीरियड कॉस्ट फर्क होगी, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो इसी फॉर्मेट पे हम इसको प्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, सेल्स हमें बताई गई हैं कितने यूनिट्स, 47,000, और प्राइस भी हमें कहा गया जो बजट की थी उसी पे बेचा, कितनी है बजट प्राइस 210 लीजिए। रेवेन्यू कितना बना 9 मिलियन है, बजटेड सेल्स बुलेट नंबर 2, सेल्स ऑफ 47,000 यूनिट्स आर मेड, 9870000 रेवेन्यू आ गया। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट उसने हमें गिवन है 10,000 यूनिट की कॉस्ट 1.6 मिलियन, बट ये कॉस्ट तो अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है क्योंकि कंपनी अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रही है ना, तो क्या करें ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड लेस कर दें, ओआर पर यूनिट होता है, हम ओआर ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड लेस करें तो 1.6 मिलियन में से ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड 10,000 यूनिट्स में किस रेट पे जाब हुए हैं ओवरहेड्स 40 रुपए पर यूनिट पे, लीजिए जी ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इसमें से लेस कर दें, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ गई 12 लाख। ओवर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 16 लाख है, उसमें से ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हम अगर लेस कर दें, 10,000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है, 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इसमें फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब हुई हुई है वो माइनस कर दो, तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई। इसके बाद हमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हमें पता, हम एक्चुअल डाटा लेते हैं, प्रोडक्शन हमारी है 45,000 और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो बजट है उतनी ही हमारी एक्चुअल रही, यही है जी एक्चुअल हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो रहेगी दैट विल बी 60,000, मैं वर्किंग भी इधर ही प्रेजेंट कर दूं, का 75% ये यूनिट्स है इनटू 75 प्लस 45, ये हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है। तो जनाब बताइए यहां से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी रही हमारी टोटल 45,000 प्रोडक्शन के अगेंस्ट जी 5.4 मिलियन, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स भी हमारे इसी रेट पे वैल्यू होंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हैं कितने, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस यूनिट सोल्ड, ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स आ गए, कितने यूनिट्स आ गए ये 55,000 माइनस 8,000,
मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट पर यूनिट 75 + 45 मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट सेम उसी पे वैल्यू किया जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 960,000। जी एनी क्वेश्चन? मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाना, हमें डेटा कि सिर्फ थोड़ी बहुत 19-20 वेरिएशन एग्जामिनर उसमें डालता है, लेकिन ओवरऑल बेसिक प्रिंसिपल जो हमने सीखे हुए हैं उसी के तहत हम पीएनएल बना रहे होते हैं। जी बेटा, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बेटा वो गिवन है आपको, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको बताई गई है, पर यूनिट प्राइम कॉस्ट 75 है और फैक्ट्री ओवरहेड 45 है। 75 + 45 ये आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई किया आपने तो आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो पीएनएल में आती है टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस के अगेंस्ट आती है। आगे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, हमने अगेन वही 75 + 45 पर यूनिट लिया और स्टॉक इन हैंड से मल्टीप्लाई किया। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस यूनिट सोल्ड, ये क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आ गए इनटू कॉस्ट पर यूनिट। जी एनी क्वेश्चन? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स सम कीजिए 5640000 और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड एडमिन की टर्म उसने यूज किया तो हम भी सेलिंग एंड एडमिन यहां पे लिख देते हैं। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कितनी है जी? 15 पर यूनिट, तो जितने यूनिट्स बेचे 47,000 इंटू 15 705000 लीजिए जी, सम कीजिए, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 6345000 और फिर यहां से टोटल कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल 3525000 टोटल कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से हमने प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट और सेलिंग एंड एडमिन की फिक्स कॉस्ट लेस करनी है। सेलिंग एंड एडमिन की फिक्स कॉस्ट उसने बजटेड हमें दी हुई है 8 लाख और हमें जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक्चुअल भी 8 लाख ही रही होगी। सिमिलरली उसने प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट हमें दी गई है 2,16,000 लेकिन एक्चुअल इससे 5 लाख ज्यादा रही। हमें पीएनएल में एक्चुअल कॉस्ट चाहिए होती है तो ये 25,16,000 रही। नीजिए जी बताइए यहां से प्रॉफिट कितना आया आपका 209,000 209,000 प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 209,000। जी मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल में किसी वैल्यू पे कोई गाइडेंस चाहिए पूछिए। जी बेटा, ओ यार एफको से कर रहे हैं, क्या करते हो, आदत ही पड़ेगी मैं फाइफो से करने की। ठीक कह रहे हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, ये गलत ले लिया हमने, ये गलत ले लिया हमने, बिल्कुल ठीक किया जी आपने, थोड़ी देर से याद कराया लेकिन ठीक याद कराया। हमें वर्किंग बनानी है इसके लिए, हमें एफको मेथड की वर्किंग बनानी है। वर्किंग वन, ये वैल्यू बदलेगी तो ये हमारी ये वैल्यू बदलेगी, ये बदलेगी, ये बदलेगी और ये भी बदल जाएगी। हमें एफको मेथड के तहत कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। वर्किंग वन, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आपके पास होती है जी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक 12 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 54 लाख डिवाइडेड विद ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स 10,000
प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस 45,000. सो एवरेज कॉस्ट इज 120. यार ये क्या कर रहे हैं आप, क्या गड़बड़ होगी हमसे फिर, ये क्या गड़बड़ होगी हमसे, हम तो स्मार्ट फॉर्मेट से कर सकते थे सवाल को, ऐसा ही है ना, हम इस सवाल को तो बड़ी आसानी से स्मार्ट फॉर्मेट से कर सकते थे, जब ये ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट भी 120 रुपए है, करंट प्रोडक्शन भी 120 रुपए है, तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले सकते थे. चलिए अब हम थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले सकते हैं. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा होता है प्राइस माइनस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 75 माइनस 45 माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 15. कितना आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 75 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है. यहां से हम टोटल कंट्रीब्यूशन ले सकते थे, यूनिट सोल्ड 47,000 इनटू 75 3525 000. यहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन यहां पे आता 3525 000, यही निकाला हुआ था हमने पहले 3525 000. एफको हो फाइफको हो यहां पे मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि कॉस्ट सेम थी, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट भी वही है, करंट पीरियड कॉस्ट भी सेम है, तो एफको फाइफको में फिर कॉस्ट तो बदली ना, ठीक है, सेम ही कॉस्ट रह गई. तो जब कॉस्ट सेम है तो हम ये सारी कैलकुलेशन को बायपास करके हम यहां से भी बात कर सकते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की एक वर्किंग देते. हमें करना क्या था, हमें सिर्फ अगर मैं अल्टरनेट मेथड पे जाता तो मुझे करना क्या था, फाइफो ऐप को मैटर नहीं करता, मैंने करना था कॉस्ट पर यूनिट इन ओपनिंग स्टॉक. ठीक है जी, एक वर्किंग मैं दिखाता जिसमें कहता हूं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक आ रही है मेरी 16 लाख माइनस 10,000 इनटू 40/10,000. यहां से मैं कहता ये आई है 120 विच इज इक्वल टू करंट पीरियड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. करंट पीरियड कॉस्ट पर यूनिट है, इसके बाद ये कहानी ओपनिंग कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन, और ये पीएनएल कंप्लीट हो गया. नेट प्रॉफिट बोलिए 2,09,000. तो मुझे ये सारी वर्किंग की जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेरा सवाल गलत हो गया, सवाल मेरा ठीक हुआ है, लेकिन शायद 2 मिनट ज्यादा लग गए मेरे, मैं 2 मिनट बचा सकता था. अगर मैं ये कैलकुलेशन पहले चेक कर लेता तो मेरे 2 मिनट बच सकते थे, क्योंकि ये 120 और ये 120 बराबर हैं. अगर मैं ये सिर्फ कैलकुलेशन पहले कर लेता तो 2 मिनट बच जाते, लेकिन सवाल मेरा गलत नहीं हुआ, सवाल मेरा ठीक है, प्रॉफिट मैंने ठीक निकाला है, फॉर्मेट मैं एफिशिएंट यूज कर सकता था जो नहीं कर पाया. और यहां पे फाइफो हो एफको मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों तरीकों से सेम है. वेल क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, होनी चाहिए थी इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट यहां पर नहीं थी कि कॉस्ट पर यूनिट सेम रही. जी एनी क्वेश्चन, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाया, फाइफो दिया जाए एफको दिया जाए, फर्क सिर्फ हमारी इस कैलकुलेशन में आता है, ये जो कैलकुलेशन है सिर्फ ये बदलती है, बाकी सवाल में कोई चेंज नहीं आता. एफको आए तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे है वो हमने निकालनी सीखी भी है, मैंने फार्मूला भी अभी आपके सामने शेयर कर लिया था. एफको आए तो सिर्फ ये कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन बदलेगी, फाइफो में कॉस्ट पर यूनिट जो करंट पीरियड की है वही यूज हो जाती है, एफको में हमें एवरेजिंग करनी पड़ती है, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस करंट पीरियड की कॉस्ट डिवाइड विद ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस करंट पीरियड यूनिट्स, जो एवरेज आएगी वो यहां प्लेस करेंगे, दैट्स इट. बाकी सारा सवाल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाने चले तो रेवेन्यू तो सेम ही रहेगा जी, 9,870,000. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू
1.6 मिलियन हमें क्वेश्चन में गिवन है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत फुल प्रोडक्शन कॉस्ट 45,000 यूनिट्स हैं प्लस और सॉरी मल्टीप्लाई फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है जी यहां पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड विद बजटेड कैपेसिटी। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए वर्किंग वन मैं अगर बनाऊं यहां पे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमारा होगा बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन। बताइए यहां से ओआर क्या आ रहा है? बजटेड प्रोडक्शन 60,000 का 80% बेटा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताइए क्या है? 42 पर यूनिट, ये हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 42 रुपीज पर यूनिट। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन। हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट ऐड करते हैं। तो जनाब कितनी बनी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट? 45,000 इंटू दिस वैल्यू 162 7.29 मिलियन। दिस इज फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स थे? 8,000 यूनिट्स थे मल्टीप्लाइड विद 162 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जी 29 जी बेटा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल ओवरहेड्स है जी बेटा। इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट इसमें बेटा वो तो एक्चुअल ओवरहेड्स है ना, हमने तो अभी ओएआर लिया है। वो तो जब हम नीचे आके एक्चुअल ओवरहेड्स ओवर एंड एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे यहां पे एक्चुअल ओवरहेड यूज होने हैं बेटा। ये तो बजटेड ओवरहेड्स की बेसिस पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने बनाया है। अब जब हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ले लिया, ओवर एंड एब्जॉर्प्शन के लिए जब हम वर्किंग टू बनाने जाते हैं यहां पे हम देखेंगे हमारे एक्चुअल एफओएच कितने हैं और हमारे एब्जॉर्ब्ड एफओएच कितने हैं। एक्चुअल एफओएच की जब हम बात करेंगे तो इधर वो बात 5 लाख वाली आएगी कि बजट था 20 लाख 16 हजार का, एक्चुअल 5 लाख इससे ज्यादा लग गए, एक्चुअल 25 लाख 16 हजार लग गए हैं। ये एक्चुअल ओवरहेड्स है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हुए? 45,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है आपकी, 189,000 हमारे ओवर एड्स आर अंडर एब्जॉर्ब कितने जी? 626,000 हमारे ओवर एड्स आर अंडर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्ब ओवर एड कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। क्लोजिंग में हमने 162 लिया, हम फिर भूल गए यहां पे फाइफो करते करते, हमने एफको करना था। यही आएगा अब हर दफा तो ये नहीं ना आता यार,
हर दफ़ा ये नहीं आता। जब हम एबको काल रहे हैं तो ये फिर 162 नहीं आता। हमें इसके लिए से मैं यहाँ पे वर्किंग थ्री से इसको ले आता हूँ। हम एबको मेथड जब कर रहे हैं तो वर्किंग थ्री से हमारी कॉस्ट पर यूनिट विल बी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड विद यूनिट्स इन हैंड ओपनिंग स्टॉक के प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आई? इट इज नॉट 162, आई एम श्योर 161.63 पर यूनिट। जब डाटा हो तो दो डेसिमल तक लिखना रिकमेंडेड है, एग्जामिनर गाइडलाइन है। जब पर यूनिट डाटा है तो दो डेसिमल तक लिखना है 161.63। जी इसके हिसाब से वैल्यू बोलिए क्या है। हमने इस सवाल को एबको मेथड पे किया है 1304 0। मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट ओपनिंग स्टॉक की भी 120 थी, करंट प्रोडक्शन की भी 120 थी। सो एवरेज मेथड करो, फाइफो करो, क्लोजिंग स्टॉक 120 पे वैल्यू होता है। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट और करंट प्रोडक्शन की कॉस्ट बराबर थी। अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, और फुल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड। ओपनिंग स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड जो अब्सॉर्ब हो रहे थे वो थे 40 रुपए पर यूनिट, और हमने करंट पीरियड का जो ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट निकाला है वो 42 है। ओपनिंग स्टॉक आपका 120 जमा 40 160 रुपए पर यूनिट पे बना हुआ है। ये 160 रुपए पर यूनिट पे है जबकि ये 162 रुपए पर यूनिट पे है। तो एवरेज हैज टू बी डिफरेंट, यहां पे एवरेज फर्क होगी। जनाब अब आप बोलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर क्या आई यहां से? 8 8 ट्रिपल 2 8 ट्रिपल 2 9 6 3 0। जी ग्रॉस प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट 1647 0 4 0। जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 8 लाख जो बजटेड हैं। ये 8 लाख तो फिक्स है ना, वेरिएबल भी आएंगे भाई। ये हो गए फिक्स इसके, और इसका वेरिएबल कंपोनेंट भी लेना है, वो कितने आएंगे? बल्कि हम इसकी वर्किंग ही बना के हिसाब शो कर देते हैं। 15 रुपीज पर यूनिट इंटू 47,000 ये वेरिएबल है, प्लस 8 लाख इनमें फिक्स ऐड कर दीजिए, टोटल कितना बना? 1505 लीजिए जी नेट प्रॉफिट 040। जी एनी क्वेश्चन? ये जी हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट बना लिया। ये हमने क्वेश्चन एबको मेथड के तहत किया है। आपके एग्जामिनर का सलूशन फाइफो मेथड के तहत है, तो यहाँ पे उसका आंसर हमारे आंसर से यकीनन फ़र्क रहेगा। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाना एबको मेथड को फॉलो करते हुए। इसकी रिकंसिलेशन किस मेथड से बननी है? स्टैंडर्ड मेथड से या अल्टरनेटिव? सोच के, स्टैंडर्ड मेथड से या अल्टरनेटिव से, आप बताओ। स्टैंडर्ड से अल्टरनेटिव से क्यों? OAR चेंज आया है, चेंज नहीं आया, चेंज आया है। OAR बदल गया है, 40 पिछले साल था, अब 42 हो गया करंट पीरियड में, पिछले महीने करंट पीरियड में। अल्टरनेटिव मेथड से, तो अल्टरनेटिव मेथड से ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस मार्जिन कॉस्टिंग के तहत 12 लाख माइनस 9 लाख 60 हजार, कितना डिफरेंस?
240,000. ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत 16 लाख माइनस 1293,040 कितना जी? 306,960 डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस 66960 जनाब इसमें ऐड कीजिए ये वैल्यू तो आपका ये आंसर आना चाहिए. डिफरेंस आपका इन दोनों प्रॉफिट्स में ये है जी. डिफरेंस की कैलकुलेशन हमने करके देख ली. अल्टरनेटिव मेथड से हमने रिकंसिलेशन प्रिपेयर की जी. एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे हमने पिछले सवाल की रिकंसिलेशन बनाई थी इसको भी बनाया हमने. कोई सवाल? अच्छा जी, इस चैप्टर पे भी हमारी डिस्कशन कंप्लीट है. कल से इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात शुरू करेंगे, दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री मैनेजमेंट नेक्स्ट चैप्टर पे बात शुरू करेंगे कल से. मार्जिन ऑप्शन कॉस्टिंग पे हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए, पीएनएल रिकंसिलेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज भी देखी. आई डोंट थिंक इससे बाहर कोई चीज़ हमारे अब स्कोप में रह गई है. तो बाकी इंशाअल्लाह कल बात करेंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.